सभा ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि एटम बम बनाना बिल्कुल मना है और कहा है कि अहिंसा परमो धर्मा। अब बोलो पिताजी, कितना बदल गया इंसान? अजी कुछ बोलोगे कि गए काम से? गए काम से? अजी ये तुम्हारी अंतरराष्ट्रीय सभा तो गए काम से, ये तो आज इंसान को बदल रही है, मगर हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले अहिंसा का पाठ देकर इंसान को बदल दिया था। क्यों पिताजी? अजी अभी क्या काम से? क्या काम से? अजी तुम तो अहिंसा का पाठ अखबारों और पुस्तकों में पढ़कर ही उछल रहे हो, मगर हमने अहिंसा की जीत अपनी आंखों के सामने होती देखी है। हाँ, हैवान को इंसान में बदलते हुए देखा है, और वो भी एक हैवान को नहीं, 7 हैवानों को। अजी गए काम से? अजी बिल्कुल गए काम से। और तुम समझते हो गए कि ये कमाल किसी ऋषि मुनि का होगा? अजी ऋषि मुनि तो गए काम से, ये कमाल तो अपने इस शहर की एक मामूली सी लड़की ने करके दिखाया था। हाँ, बाप रे बाप, वो 700 तीले भाई भी क्या खूंखार जंगली थे कि बस देखते ही समझो आदमी गए काम से। भाव बढ़ाता चल, शोर मचाता चल, वो मत वाले रंग जमाले मौज में गाता चल। पाँव बढ़ाता चल, शोर मचाता चल, वो मत वाले रंग जमाले मौज में गाता चल। पाँव बढ़ाता चल, शोर मचाता चल, वो मत वाले रंग जमाले मौज में गाता चल। हंसता गाता धूम मचाता बढ़ता जा तू आगे, तेरे डर से शेर भी घर से तुम दबा कर भागे। हंसता गाता धूम मचाता बढ़ता जा तू आगे, तेरे डर से शेर भी घर से तुम दबा कर भागे। जो भी तुझसे टक्कर खाए चाहे कितना जोर दिखाए, देख कभी ना बच कर जाए, मार गिराता चल। पाँव बढ़ाता चल, तू शोर मचाता चल, वो मत वाले रंग जमाले मौज में गाता चल। पाँव बढ़ाता चल, तू शोर मचाता चल, वो मत वाले रंग जमाले मौज में गाता चल। तुझसे बढ़कर इस धरती पर कोई नहीं है प्यारे, चांद सितारे मस्त नजारे हैं मुट्ठी में सारे। तुझसे बढ़कर इस धरती पर कोई नहीं है प्यारे, चांद
सितारे मस्त नजारे हैं बुद्धि में सारे। तू है अपने मन का राजा, जंगल और चमन का राजा, धरती नील गगन का राजा, शान दिखाता चल, पांव बढ़ाता चल, तू शोर मचाता चल, ओ मत वाले रंग जमाले मौज में गाता चल, पांव बढ़ाता चल, तू शोर मचाता चल, ओ मत वाले रंग जमाले मौज में गाता चल। हिम्मत वाले दुनिया से क्या करना, ओ मेरे साथी ठोक छाती जो दिल चाहे करना, भोले भाले हिम्मत वाले दुनिया से क्या करना, ओ मेरे साथी ठोक छाती जो दिल चाहे करना, कल की सोच कभी ना करना, खेल है जग में जीना मरना, फिर क्यों ठंडी आहे भरना, मौज मनाता चल, पांव बढ़ाता चल, तू शोर मचाता चल, ओ मत वाले रंग जमाले मौज में गाता चल, पांव बढ़ाता चल, तू शोर मचाता चल, ओ मत वाले रंग जमाले मौज में गाता चल। शाबाश हो सबके सब बेहोश। अरे मुर्दो उठो हरण खाओ। हरण? अरे मैं अकेले ही खा जाऊंगा वो हरण। तेरा बाप क्या कह रहे, क्या बोलते हैं? तूने पहली दफा समझदारी की बात की है, औरत के बगैर घर घर ही नहीं होता। तो तुम एक औरत ले आओ ना। मैं कहां से लाऊं? शादी करके। शादी करके? हाँ भैया तुम शादी करो, घर का काम काज करने के लिए एक औरत को होना जरूरी है। हाँ जरूरी है। मैं शादी कहाँ करूँ, किससे करूँ?
शहर से लड़की लेकर आओ। शहर से? चलो भैया को दूल्हा बुला के शहर भेजेंगे। लड़की ऐसी लेके आना जो सबका काम काज कर सके। अब कोई गुड़िया वड़िया नहीं ले आना। अरे तुम फिक्र मत करो, हमें एक नंबर लड़की लाएगा। ओए शाबाश। मगर शहर का रास्ता भी मालूम है? शहर का रास्ता नहीं तो हद करते हो, फिर पहुंचोगे कैसे? अच्छा सुनो, पहले इस घोड़ा गाड़ी में दरिया तक पहुंचोगे। वहां ये घोड़ा गाड़ी छोड़कर एक लंबी किश्ती में बैठना। हाँ, जो तुम्हें शहर की झील तक ले जाएगी। वहां पर लंबी किश्ती को छोड़कर छोटी किश्ती में बैठ जाना, समझे? बस सामने आ गया सर। अजीब गोरख धंधा है, तुम फिक्र मत करो, हम पहुंच जाएगा। चलो चार दिन की दुनिया है, चार दिन के मेले, दिल बेचने चले हैं, दिल वाला कोई ले ले। है चार दिन की दुनिया है, चार दिन के मेले, दिल बेचने चले हैं, दिल वाला कोई ले ले। साथी हो कोई ऐसा, चेहरा हो फूल जैसा, इस दिल से दिल बदल ले, मांगे ना कोई पैसा। साथी हो कोई ऐसा, चेहरा हो फूल जैसा, इस दिल से दिल बदल ले, मांगे ना कोई पैसा, समझे? अरमान से हमारे जी भर के रोज खेले, दिल बेचने चले हैं, दिल वाला कोई ले ले। है चार दिन की दुनिया है, चार दिन के मेले, दिल बेचने चले हैं, दिल वाला कोई ले ले। सौदा है कितना प्यारा, समझो मेरा इशारा, ऐसी घड़ी सुहानी आती नहीं दोबारा। सौदा है कितना प्यारा, समझो मेरा इशारा, ऐसी घड़ी सुहानी आती नहीं दोबारा, समझे? आ अपने साथ हो ले, हम भी तो हैं अकेले, दिल बेचने चले हैं, दिल वाला कोई ले ले। है चार दिन की दुनिया है, चार दिन के मेले, दिल बेचने चले हैं, दिल वाला कोई ले ले। है चार दिन की दुनिया है, चार दिन के मेले, दिल बेचने चले हैं, दिल वाला कोई ले ले। तुम यहां ठहरो। ओए शाबाश, ओए सारा शहर खाली पड़ा, ये लोग कहाँ गए? क्यों भाई? अजी क्या है जी? ये सब लोग कहाँ गए? अजी गए काम से। गए काम से? तुम परदेसी हो क्या? हाँ। तभी तो। अजी तुम ही बताओ ना, शादी ब्याह करवाना किसका काम है? हम पंडितों का है ना। हाँ पंडितों का है। अजी मगर हम तो गए काम से, इस शहर में तो स्वयंवर होता है। स्वयंवर? स्वयंवर? ये स्वयंवर क्या होता है? अजी तुमको इतना भी नहीं मालूम है क्या? स्वयंवर लड़के नाचते हैं तो लड़कियां चुनती हैं, और लड़कियां नाचती हैं तो लड़के चुनते हैं। हम तो गए काम से। हमको भी स्वयंवर में जाना है। अजी फिर तो तुम भी गए काम से। मगर ये है कहाँ? अजी हमको क्या मालूम कहाँ है, होगा इधर किधर। ए बताता है कि नहीं? इधर है जी, इधर है। चलो हमारे साथ चलो। अजी अब तो चलना ही पड़ेगा, मगर ये जरा बंदूकड़ी तो फिर रखो ना। हाँ रखता है, चलो। ये सब लोग शहर खाली छोड़कर मेले पे चले जाते हैं, यहाँ चोरी चिकारी का डर नहीं होता? अजी अब तक तो नहीं था, मगर अब कुछ कुछ होने लगा है। क्या बोला? गए काम से जी।
है यही से मुहब्बत का फसाना, यही है जमाना यही है वो जमाना। जब लड़की है निगाहें ये होता है दीवाना, यही है जमाना यही है वो जमाना। जब लड़की है निगाहें देने को चलाई थी। अजी सलामी कैसी? वो नाच रही थी, कोई फौजी वर्दी तो नहीं कर रही थी, सलामी दी थी। तुम तो बिल्कुल जंगली नजर आते हो जी, छोड़ दो ना हमको। ये लड़की कहाँ मिलेगी? अजी लड़की क्या मिलेगी, अब तो हम भी नहीं मिलने वाले हैं। शाबाश होए, क्या लड़की है, नाचने गाने में भी एक लंबर और काम काज में भी एक लंबर। ओह, वही जंगली। कौन कहता है जंगली है? ए, रुक जाओ ना, तुम गोली मार देगा। इधर आओ, इधर आओ, आओ। क्या है? तुम घबराता क्यों है? हम तुमको कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हारा गाना हमको बहुत पसंद आया। तो फिर हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। शादी? हाँ। शाबाश होए, हम भी तुमको पसंद है ना? किसने बोला तुम हमको पसंद है? अरे तुम हमको देख के हंसा, खुश हुआ? हम तो तुम्हारी बेवकूफी पर हंसा, गुस्से में हंसा। गुस्से में हंसा? तुम लोग गुस्से में हंसता है? अजीब आदमी। हाँ, हम अजीब आदमी है। जैसे तुम खुशी में गोली चलाता है, वैसे हम गुस्से में हंसता है। अब समझे? ओ, ऐसा है? तब तो हम तुमसे जरूर शादी करेंगे। मगर हम तुमसे शादी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम हमको पसंद नहीं, इसलिए। मगर उधर गाने में तुम हमको प्यार का इशारा किया। अरे जंगली, वो तो मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मजाक? हमको क्या मालूम तुमने मजाक उड़ाया। अब तो हमको तुमसे प्रेम हो गया है, तुमको शादी करना पड़ेगा। वाह, ये कोई जबरदस्ती है, नहीं करती शादी। ए, ए, ओ भाई, ये लड़की जी क्यों तंग करता है? अरे तंग कौन करता है, हम तो उसे शादी करने को बोलता है। अजी तुम तो बिल्कुल गए काम से जी, तुमको शादी का रिवाज भी नहीं मालूम है क्या? शादी के बाद लड़की से करने लगे, उसके घर वाले से करो ना। अच्छा, तो और क्या था जी? उसका घर वाला लोग किधर रहता है? अजी घर क्या था, वो तो यतीम लड़की है, एक मास्टर जी ने उसको अपना लड़की बनाया हुआ है। ये मास्टर जी किधर रहता है? अजी सब बात हम ही को बताना पड़ेगा क्या? अच्छा बताता है, वो देखो ये पीछे का मकान है ना। हाँ। वो मास्टर जी का तो है। अच्छा अच्छा, अच्छा क्या करता है जी, जाओ ना, शादी हो जाएगी तो जाएगा। नहीं, हम अभी जाता है, उसी से ही बात करें। अब मजा आएगा, ये जंगली लड़ाका बंदूक वाला, वो मास्टर जी अहिंसा के पुजारी, वो तो गए काम से। क्या समझे? अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। क्या समझे? अहिंसा सबसे बड़ा धर्म ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति भी है। क्या समझे? अहिंसा में वो शक्ति है जो बड़ी बड़ी तोपों में भी नहीं है। क्या समझे? जो अहिंसा में मानता है
उसको बड़े से बड़ा राक्षस भी नहीं डरा सकता। क्या समझे? बच्चों आधी छुट्टी का समय हो गया, जाओ जाओ जाओ। ए मास्टर जरा सुनो तो। क्या है? हमारा नाम रंजीत है, हम रहता तो पहाड़ पे है लेकिन हमारे पास बहुत जमीन है, मकान भी है, और शेर को हम एक गोली से खत्म करते हैं। एक दफा तीन शेर को हमने तीन गोली से खत्म कर दिया। हमारे बुझाव में इतना बल है कि अच्छे अच्छे पहलवान को उठा के पटक देता है। देखो। हाँ भाई हाँ, मैं खुद भी तो यही मानता हूँ, जो शक्ति एक लड़ा के बहादुर में है वो किसी में नहीं है। ये अहिंसा का भाषण तो सिर्फ बच्चों के लिए था। क्या समझे? अच्छा नमस्ते। ठहरा मास्टर, तुम समझे नहीं, हम शादी करने आया है। शादी करने? किसके साथ? तुम्हारी लड़की के साथ। क्या समझे? मेरी लड़की के साथ? मेरी तो कोई लड़की है ही नहीं। आए? अरे एक लड़की को तुमने अपनी लड़की बनाया है ना। ओ शांति, हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया था। हाँ हम उसी के साथ शादी करने आया है। क्या समझे? ओ ठहरो ठहरो, शांति की माँ। ओ शांति की माँ आई। क्या है ये? देखो ना क्या है। कौन है ये? पुलिस को बुला के लिया। शांति को बुला रहे गई है। क्यों? उसे पूछना पड़ेगा। क्या? शादी के बारे में। ये भी अजीब शहर है, लड़की से पूछा तो बोलते हैं माँ बाप से पूछो, माँ बाप से पूछा तो बोलते हैं लड़की से पूछो। अरे भाई एक बात का फैसला करो ना। मैं तो राजी हूँ मगर शादी तो लड़की की होगी ना, मेरी नहीं होगी। शांति अभी आएगी, तुम बैठो। नहीं अच्छा बैठता है। ये तो सिर्फ बच्चों के लिए, क्या समझे? तुम बैठो बैठो। कुछ नहीं कुछ नहीं। यही है, ये तो वही जंगली है। ये तो वही जंगली है। क्यों भाई, कौन हो तुम? क्या बात है? बात क्या है, हम शादी करने आया है। किसके साथ? मेरी लड़की के साथ। आपको ये शादी मंजूर है ना? मुझे तो मंजूर है मगर लड़की को पूछना पड़ेगा। तो उसे बुलाकर पूछिए ना। बुलाने तो ये उसी को गया था और बुलाकर तुमको ले आया। किधर है वो, बुलाओ ना। बुलाता हूँ। शांति, ओ शांति बेटी। आई बाबूजी। ओ वही जंगली। सुनो ए लड़की, क्या है? तुम्हारे बाबा को हमारा शादी मंजूर है मगर हमको मंजूर नहीं है। क्यों? हमारे में क्या नुकसान है? हम तुमको बहुत खुश रखेगा। हम जंगली के साथ खुश नहीं रहेगा। शादी करेगा? शादी? अपनी मूछ तो देखो, इतना बड़ा बड़ा जंगली शादी करने आया। क्यों भाई, इधर नाई की दुकान किधर है?
उधर है, उधर है। ध्यान से करेगा जी, जरा ऐसा करना। ऐसे करेगा? अरे क्या करता है, बोला ना ध्यान से करो। ऐसे तो किया जी, एक चांस तो दो। रोको, मारेगा क्या? फिक्र मत करो जी, हमारे जैसे बार-बार आपको सारे शहर में नहीं मिलेगा जी, एक चांस तो और दो जी। ए क्या करता है, तुम तो हमें काट के छोड़ेगा, हम तुमसे दाढ़ी नहीं बढ़वाएगा, ये लो। हाँ जी, तुम किधर को जाता है जी? आओ जी आओ, मत डरो जी, आओ जी। उसने हमारा एक महीने का पैसा नहीं दिया, इसलिए उल्टा उसरा लगाया जी, तुम्हारा हजामत बिल्कुल सीधा कर देगा जी। आओ आओ, हमको सिर्फ मूंछ ठीक कराने का है जी। सिर्फ मूंछ? हाँ। बेशक बेशक, आओ आओ, देखो मैं कैसा करता हूँ, एक चांस तो दो और आ जाओ आराम से बैठो जी। अरे तो हम हर तरह का मूंछ बना सकता है जी, जर्मनी, जापानी, अमेरिकानी, इंग्लिशानी, कौन सा चाहिए जी? ये तो हमें नहीं मालूम। देखो इस तरह की मूंछ बनाओ कि शहर की लौंडिया को पसंद आ जाए। हाँ, तब तो बिल्कुल सफाचट करना पड़ेगा जी। हाँ, बिल्कुल सफाचट? हाँ जी, शहर की लड़कियाँ बिल्कुल सफाचट मूंछ पसंद करती हैं जी। हमने कई लड़कों को मूंछ सफाचट किया, उनका एकदम शादी हो गया। अच्छा? हाँ जी। ओए शाबाश, तो फिर हमारा भी ऐसे ही बनाओ। ऐसे लो जी, तुम शहर की लड़कियाँ के लिए अपना कपड़ा भी ठीक करो जी, यहाँ दुकान में मिलेगा। कुछ शहरी कपड़ा पहनो, लो बिल्कुल सफाचट हो गया। देखो तो, अहिंसा में सबसे बड़ी शक्ति है। आज यहाँ आधी छुट्टी में एक राक्षस बंदूक लेकर आ गया था, क्या समझे? और कोई होता तो उसे दुम दबाकर भाग जाता, मगर मैं अहिंसा में मानने वाला, मैंने उल्टा उसको भगा दिया, क्या समझे? मेरा मतलब है तुमको सारी छुट्टी, जाओ जाओ जाओ। ए मास्टर जी, अब जरा शांति को बुलाइए। फिर बुलाओ। हाँ, अब वो इनकार नहीं करेगी। नहीं करेगी, मगर क्या तो हमको कुछ मत कहना, हम इनकार नहीं करते, क्या समझे? नहीं नहीं, अब वो इनकार नहीं करेगी, उसने हमें थप्पड़ मारा है, क्या समझे? थप्पड़ मारा है? हाँ हाँ, बहुत जोर से। बहुत जोर से? और अब हाँ करेगी? हाँ 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 करेगी, तुम नहीं समझता है, उसको बुला के पूछो। मुझे कोई हर्ज नहीं। शांति की माँ, और शांति की? नहीं नहीं, शांति को बुलाओ। उसी को तो बुला रहा हूँ, मगर पहले उसकी माँ को बुलाना पड़ता है, ये बात तुमको शादी के बाद समझ में आएगी, क्या समझे? क्या है कोई? ये फिर आ गया? हाँ, अब जरा शांति को बुलाओ। अच्छा? नहीं नहीं, यहीं से बुलाओ, जाओ मत। यहीं से बुलाओ। अच्छा, शांति, ओ बेटी शांति, आई माँ जी? आती। क्या है? ओ, अब जरा इससे पूछो। पूछता हूँ, अब तुम इसे शादी करोगी? हाँ बापूजी। ओ शाबाश, ओए बापू जी, ये देखने में जरा ऐसे हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। और शाबाश, बंदूक मत चला, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मेरा तो कुछ नहीं। आप घबराइए नहीं, मैं इनको सुधार लूंगी। मगर यदि किसी जंगल में रहता होगा तो क्या हुआ? इन्होंने मुझे पाने के लिए इतनी कोशिश की, लड़की के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? लड़की को अपना घर चाहिए, चाहे जंगल में ही हो। और शाबाश, मगर एक शर्त है जंगली बाबू। बोलो। ये बंदूक तुम्हें फेंकनी पड़ेगी। बंदूक फेंकनी पड़ेगी? हाँ, मरना मारना हैवानों का काम है, इंसानों का नहीं। मगर हम बंदूक कैसे फेंक सकता है, ये हमारा जान है। तो सोच लीजिए, या इस जान को रखिए या मुझसे शादी कीजिए, मगर मगर कुछ नहीं, मंजूर हो तो कीजिए, वरना ना सही। क्या समझे? बंदूक फेंक देगा, मगर हम एक बार चला ले, आखिरी बार। कोई बात नहीं, चला लीजिए। चलो।
मास्टर जी, अब इसे झील में फेंक दो। मैं फेंक दूं? हाँ, काली हो गई। मैंने बोला था ना, अहिंसा में बड़ी शक्ति है। देखो, इस जंगली की बंदूक भी छीन ली और शांति की शादी भी उसे पक्की कर ली। क्या समझे? डरने की कोई बात नहीं, ये बंदूक उसी की खुशी में चलाई थी। कल उसकी शादी में आ जाना। जाओ जाओ जाओ, डरने की कोई बात नहीं। क्या समझे? और शाबाश है ना। और तुम क्या समझे? और शाबाश। ये कौन है? अरे ये तो रंजीत भैया लगता है। अरे नहीं, ना मूछ ना बंदूक, ये रंजीत भैया कैसे हो सकता है? अरे वही तो है, रंजीत भैया तुम्हारी मूछ कहाँ है? मूछ? वो ये जंगली कौन है? जंगली? ये मेरे मेरे भाई हैं, अर्जुन और भीम। भाई? ये तो जानवर दिखते हैं। नहीं, शायद नहाया धोई नहीं तो इसलिए ऐसे लगते हैं। आओ, आओ। ये किसको ले आयो भैया? ये तुम्हारी भाभी है। भाभी? ये कठपुतली ये हमारे घर का काम का क्या खाक करेगी? अरे नकुल सहदेव, अरे देखो भैया किसको ले आया। भाभी देखो, मुझे छोड़ाया और इसको ले आया। कौन है? रंजीत भैया की दुल्हन। अरे नहीं, ये दुल्हन थोड़ी है, ऐसे ही किसी को उठा के ले आया। नहीं नहीं, ये तुम्हारी भाभी है, ये तुम्हारे देवर है ना, तो इसलिए मजाक कर रहे हैं। चलो चलो तुम चलो। तुम्हारे चार भाई हैं? नहीं नहीं, बस कुछ इतना ही समझो, तुम चलो। अरे सारे बदल खत्म कर ले क्या? अरे ऐसा तो न दे। अरे मारूंगा, सर फोड़ दूंगा रस्से के बच्चे। लाइट लाइट चार। ये भी मेरे भाई हैं, करण और तुषार। कोई और भी है? नहीं नहीं, सिर्फ जी। भगवान कसम, अरे करण, ये देख तेरी भाभी है। ये मेरी? अरे इसकी भाभी होगी। क्या बता है? ये मेरी भाभी। मजाक हो रहा है। चल चल चल, मत मेरा दिल। देख ले कितनी बड़ी रस्सी है, देखो। और कितनी साफ। अच्छा, आप जरा जल्दी से खाना तैयार कर दो। खाना तैयार कर दो और आज ही? हाँ हाँ, इन लोगों को मालूम तो हो कि भाभी आई है घर में। और शाबाश, मैं जल्दी से जाकर सामान लाता हूँ। देखो इस तरह से होना चाहिए। अब हाथ मुंह तो धो लो। लो हाथ मुंह धो लो।
अरे कहीं शेर भी हाथ मुंह धोते हैं? चलो आइयो। ये क्या है? क्यों? गोश्त कहाँ है? छी छी, गोश्त खाना इंसानों का काम नहीं, हैवानों का है। तुम्हारा मतलब है हम ये घास फूस खाएंगे? इसे घास फूस नहीं कहते, इसे दाल सब्जी कहते हैं। ये भोजन सिर्फ इंसान का नहीं भगवान का भी है। भैया इसको कहाँ से ले आए हो? ये बीबी लाए हो या प्रचारक? और वो जो हरण मार के रसोई में रखा था उसका क्या हुआ? वो मैंने फेंक दिया। फेंक दिया? तो चलो अपनी अपनी बंदूकें उठाओ और शिकार मार के लाएंगे, हम ये घास फूस खाने वाले नहीं। ओहो क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारी बंदूकें जला दी। जला दी? हाँ वो लकड़ी नहीं थी ना, तो मैंने बंदूकें जला कर खाना बनाया। वो देखो जली पड़ी है, ये क्या मजाक है भैया? ये तुमने क्या किया शांति? बंदूकों के बिना हम यहाँ कैसे रहेंगे, शिकार कैसे करेंगे? शिकार की जरूरत क्या है, ये खाना तुम्हारे शिकार से कहीं ज्यादा अच्छा है, खाकर तू देखो। ये खाना तो भैया ही खाएगा जो इस देवी को लेकर आया। हाँ मर जाएंगे मगर ये खाना नहीं खाएंगे। आओ भाई आओ, चलो। ये तुमने अच्छा नहीं किया शांति, पहले ही दिन मेरे भाइयों को नाराज कर दिया। बच्चों को कड़वी दवा पिलाना माँ बाप का फर्ज है, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इन्हें सही रास्ते पर ले आऊँ। आखिर कितने देर भूखे रहेंगे? न तो मैं अपने भाइयों के खिलाफ तुम्हारा साथ दे सकता हूँ और न ही मैं ऐसे सीधा रास्ता समझता हूँ। ये समझती है हमको भूखा रखकर ये घास फूस खाने पर मजबूर कर देगी। अजी हम कितने ही दिन ना खाना खाएं तो चलेगा, उसे वहाँ एक दिन अकेला रहना पड़ेगा ना। हाथ जोड़ती यहाँ चलिए। अरे हमने तो भैया को पहले कह दिया था कि ये बुढ़िया यहाँ नहीं चलेगी। भैया तुम्हें शहर की लौंडिया बना गई। हाँ अब हमें बनानी चाहिए, हम बनने वाले नहीं है। अजी हम बात कर रहे हैं, भाई कहता हूँ कि हम बनेंगे भी क्यों, नहीं बन सकते। हर बात है बिगड़ी हुई भगवान बना दो, बीती है मुश्किल मेरी आसान बना दो, आसान बना दो। हर बात है बिगड़ी हुई भगवान बना दो, बीती है मुश्किल मेरी आसान बना दो।
बिल्कुल ही खामोश है। वो सो गई क्या? अरे वो खा पी कर सो गई होगी, भूखे तो हम मर रहे हैं। बोलो तो उसका खाना खाकर देखें। अबे काय रब्बी से हिम्मत हारने लगा? हिम्मत कौन हारता है, मैंने तो इसलिए कहा बेचारी रो रो के भजन गा रही थी, तरस आता है। नहीं नहीं, अगर बाजी हार गए तो सारी उम्र उसके सामने आगे नहीं उड़े सकेंगे। मगर यार बेचारी ने इतनी मेहनत से खाना पकाया था, उसको एक मौका तो देना चाहिए। यही तो मैं भी कहता हूँ, इसमें मुझे भी कोई एतराज नहीं है, मगर वो इसमें हमारी हार ना समझ बैठे। क्यों भैया, तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो ऐसा करते हैं, पहले मैं जाकर खाना खाता हूँ, देखता हूँ क्या सूरत बनती है। ठहरो भैया, तुम अकेले नहीं जाना, ये तो वो फिर तुम्हें मना लेगी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, एक अकेला दो ग्यारह क्यों वहाँ मजे से खाना खाओ, हम यहाँ भूखे मरे, या तो सारे ही चलो। ठीक है सारे चलो, ठीक रहेगा, आपस में सलाह करने का मौका भी मिलता है। आगे भगवान ने मेरी सुन ली, अब खाने से पहले मुंह हाथ भी धो ले। मेरा खाना क्यों खाता है? हम तो इतना जानते हैं कि जंगल में जंगलियों के साथ निभाना आसान काम नहीं है, बस नींद आई है। तुम लोगों को नींद नहीं आई? हम लोगों की शादी थोड़ा ही हुई है जो नींद आ जाए। अच्छा भाभी को हमारा नमस्ते बोल देना। कौन? तुम्हारा पति। तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आई। क्यों? मुझे यहाँ नींद कभी नहीं आएगी, पंडित ने ठीक कहा था, जंगलियों के साथ जंगल में रहना बहुत कठिन काम है। ओह, तो गया तुम शादी करके पछता रही हो। शादी? कैसी शादी? तुम्हें पीने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो एक नौकरानी की जरूरत है जो तुम सबके लिए काम करे, कपड़े धोए, खाना पकाए और हाथ जोड़ कर खड़ी रहे। तुमने शादी की ही क्यों? शाबाश, मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी जिंदगी बदल दी, अपनी बंदूक तक फेंक दी और अपनी मूंछें तक मुड़वा दी। हाँ, मूंछें जो मर की शान होती है वो भी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, और तुम खुशी नहीं होती? ठीक है, मुझे पाने के लिए, मेरा दिल लुभाने के लिए तुमने सब कुछ किया। भेड़िया भी भेड़ को खाने के लिए थोड़ी सूरत बना लेता है, और जब वो काबू में आ जाती है तो फिर अपने आखिरी दांत दिखाता है। यहाँ पहुँचते ही तुम भी अपने जानवर भाइयों की तरह असली जानवर बन गए। देखो, शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन प्रेम और प्यार की बातें करते हैं, हमने तो झगड़ा ही शुरू कर दिया। हम दूल्हा दुल्हन नहीं है, आप मालिक हैं, मैं नौकरानी हूँ, तुम सबकी सेवा करूंगी, खाना बनाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, लेकिन ना तो मैं आपकी दूल्हा हूँ ना आप मेरे दूल्हा हैं। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, मैं भी आपसे यहाँ कभी नहीं सोऊंगा। बोला बोला भैया, क्या बात है, भाभी ने निकाल दिया? नहीं नहीं, मैं तो ये पानी लेने आया था। भाभी ने पहले दिन से ही पानी भरवाना शुरू कर दिया। लो ये पानी पियो। मैं भी अपने आप को बड़ा बहादुर समझता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि औरत बड़े से बड़े बहादुर को नीचा दिखा देती है। अब मैं अपने भाइयों से क्या कहूं, ये कहूं कि मेरी दुल्हन मुझे दूल्हा ही नहीं समझती?
मगर तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ कभी नहीं सोऊंगा, बाहर पेड़ पर ही सारी रात बिता दूंगा। सुनिए, गुस्सा जाने दीजिए, हम दोनों से ही गलती हुई। बस बस, बहुत हो चुकी, अब मैं यहीं सोऊंगा। अब आ जाइए ना, देखिए ज्यादा मत तड़पाइए, आइए। हरगिज नहीं। काहे तड़पाई, काहे तरसाई, दिल में पुकारे पिया आ जा रे, मेरा दिल में पुकारे पिया आ जा रे। काहे तड़पाई, काहे तरसाई, दिल में पुकारे पिया आ जा रे, मेरा दिल में पुकारे पिया। कौन है? मैं हूँ, झगड़ा क्या है? हमारे कपड़े कोई ले गया है भाभी।
तुम्हारे कपड़े मैंने धोकर नीचे सूखने को डाले हैं। तुम सब नहाओ, धो और दाढ़ी बनाओ, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। नहाए धोए इस सर्दी में? हम तो सिर्फ गर्मियों में नहाते हैं। हाँ। हाँ। शराफत से नहा लो, वरना एक एक को पकड़ कर नहलाऊंगी। आओ अंदर। हमने सिर्फ चड्डी पहन रखी है। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ? यार क्या मुसीबत आ गई है, अब नहाना भी पड़ेगा। अजी नहीं, वो ऐसी डरा दी है, अंदर नहीं आएगी। अच्छा तो फिर आप ही। नहाओगे कि एक एक को पकड़ू? नहाएंगे नहाएंगे भाभी, अब तुम जाओ। अच्छा बैठो, खाना खाओ। चलो भैया पहले आप। भाभी भैया कहाँ गए? वो सुबह से खेतीबाड़ी के काम को गए। भैया और खेतीबाड़ी? कमाल है, हाथ धो गई। हाँ, मालिक ने हाथ दिए हैं तो इंसान को काम करना चाहिए। तो कल से हम भी खेतीबाड़ी को जाएंगे। ठीक है, ठीक है, शाबाश। मगर अभी मैं तुम सबको शहर लेके जाने वाली हूँ। क्यों? वहाँ सब समझते हैं कि मैं यहाँ जंगलियों में फंसी हुई हूँ। मैं उनको दिखा देना चाहती हूँ कि जंगल में रहने वाले सभी जंगली नहीं होते। कौन कहता है कि हम जंगली हैं? क्रोध नहीं करना, अहिंसा परमो धर्म। देखो वहाँ तुम्हें लोग कितना ही उकसाएं, गाली दे, मगर तुम्हें उसका जवाब नमस्कार में ही देना होगा। नमस्कार? हाँ हाँ नमस्कार, क्या समझे, क्या जवाब दोगे? नमस्कार। शाबाश। शाबाश। ओ पंडित जी आइए, नमस्कार। अजी नमस्कार दूंगा, वो तुम्हारे जंगली पति कहाँ है, उसको त्याग दिया ना? जी नहीं, त्यागा नहीं, वो वहाँ खेतीबाड़ी की देखभाल कर रहे हैं। खेतीबाड़ी? वो जंगली बंदूक वाला कहे काम से? जी हाँ, और ये देखिए उनके छह भाई और ले आई हूँ, इस शहर की छह लड़कियाँ और ले जाने के लिए। एक दो तीन चार पाँच छह। शाबाश। गए काम से? ये पलटन तुम्हारे साथ है क्या? अब गए काम से ना, बोलिए ये जंगली नजर आते हैं क्या? गए काम से? मैंने कहा था ना कि जंगल में रहने वाले सभी जंगली नहीं होते। अब बोलिए इन जैसे शरीफ और शांत लड़का कोई एक भी शहर में है? जी क्या बात करती हो, ये जंगली हमारे लड़कों का क्या मुकाबला करेंगे जी? अरे काम करके तुम आ, यहाँ होना बेइज्जती हो रही है। लाइन। एक दो तीन चार पाँच छह। हाँ बोलो, इनके होते हुए हमारी लड़कियाँ को ले जा सकता है? अच्छी कोई कमाल तो दिखाओ ना। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, तुम कितना भी सिखाओ जंगली अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ सकता, ये मार धार से कभी नहीं रुकेगा। आप कितनी भी कोशिश कीजिए मगर ये किसी पर हाथ उठाने वाले नहीं। अजी ये डरपोक किसी पर क्या हाथ उठाएंगे? खबरदार। घबराओ नहीं भाभी, हम तो इनके चरण छूना चाहते हैं। आओ भाई। नमस्कार। नमस्कार। अरे बुद्धू ये क्या कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती
अरे अब ये तो कहे काम से अहिंसा परमो धर्म क्या समझे क्या भाई जो चलो इधर जंगलियों तुम जंगल में रहने के काबिल हो चलो भाभी उन्होंने पहले हमें गाली दी थी और गाली का जवाब तुमने थप्पड़ से दिया यही मैंने तुम्हें सिखाया तुम सब बेईमान हो बैठो यार चलो वापस मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ ये शहर वाले मुझे क्या कहेंगे मेरी नाक कटवा दी तुमने कोई जवाब है मैं किन किन उम्मीदों से तुम्हें शहर लेके गई थी जानते हो वहां स्वयंवर होने वाला था स्वयंवर हाँ हमारे शहर में स्वयंवर होता है नाच और खेल का मुकाबला जो लड़के उसमें जीते वो अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर ले शादी तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे बताने का मौका ही कब दिया तुमने तो जाते ही नमस्कार करना शुरू कर दिया भाभी फिर हमें एक बार लेके चलो हाँ भाभी हम स्वयंवर में जरूर हिस्सा लेंगे तुम्हारी उन छह सहेलियों के लिए वो लड़कियां आ जाएंगी तुम्हारा भी दिल लग जाएगा और जरा चल बैल भी रहेगी क्यों भैयो अच्छा अच्छा ले चलूंगी मगर देखो कोई दंगा फसाद करोगे तो स्वयंवर हार जाओगे ये स्वयंवर की पहली शर्त है नहीं नहीं भाभी हम दंगा फसाद बिल्कुल नहीं करेंगे हाँ बिल्कुल नहीं हम तो तुम्हारी सहेलियां लाकर तुम्हारे पास रखना चाहते हैं और कोई बात नहीं क्यों भाई हो शाबाश क्या बात है भैया हम स्वयंवर पे जा रहे हैं स्वयंवर पे हमारे साथ मुझे तो तुम्हारे साथ चलना ही पड़ेगा वरना तुम्हें शहर के रस्म रिवाज कौन बताएगा तुम में से किसी को लड़कियों से बातचीत करनी आती है तुम तो सिखा दोगे मैं तो खैर सिखाई दूंगा देखो वहाँ सबसे पहला सवाल है मूंछों का वो तो खैर तुम्हारी है ही नहीं और दूसरे वो बंदूकें तो भाभी ने कब के जलवा दी अब तीसरा सवाल ये है कि जब तुम्हें कोई शहर की लड़की नजर आए ना तो आगे बढ़कर कहना नमस्कार नहीं नहीं नमस्कार की कोई जरूरत नहीं वो बहुत हो चुका कब हाँ भैया वो नमस्कार कुछ गलत ही हो गया था बिल्कुल गलत सही था चलो चलो तैयार हो जाओ कपड़े बदलो वरना देर हो जाएगी ये नमस्कार कब हुआ था मैं तुम्हारे भाइयों को शहर ले गई थी जानते हो उन्होंने वहाँ क्या किया क्या किया पांच होने के बहाने लोगों को पटकना शुरू कर दिया पटकना शुरू कर दिया ये कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है ऐसे शाबाश नमस्कार चलो भाई तैयार शाबाश चल है मालूम होता है सब लोग स्वयंवर में गए हुए हैं चलो फिर हम भी चलते हैं आओ भाई स्वयंवर आरंभ होता है जो नौजवान नृत्य के मुकाबले में जीतेंगे उनको ये छह लड़कियां अपना वर चुनेंगी अभी तक सिर्फ इन छह लड़कों ने स्वयंवर में हिस्सा लेने का विचार जाहिर किया है अगर और कोई नौजवान इसमें हिस्सा लेना चाहे तो वो यहां आ जाए और कोई नहीं अजी पंचायत के प्रधान ही बोले जा रहे हैं कुछ तुम भी तो पकड़ो ना तुम तो सब गए काम से आप भेजी वादी प्रधान जी इन नौजवानों के मुकाबले में कौन आ सकता है आप फैसला करो ना जब और कोई नौजवान नहीं तो ये लड़कियां इन्हीं नौजवानों के गले में जयमाला पहनाएंगी पहनाओ बेटी अजी पहनाओ ना कहीं देखती क्या हो अरे नौजवान से चक्कर मिलने वाला है क्या हाँ ये अरे वजह फिर आ गए शास्त्री दीदी के देवर आ गए अरे ये भी स्वयंवर में भाग लेंगे गए काम से अजी इन जंगलियों को फिर मार धाड़ के लिए ले आई हो क्या मार धाड़ के लिए नहीं पंडित जी स्वयंवर के लिए लाई हूँ अजी स्वयंवर तो नृत्य की कला का मुकाबला है नाच गाने का मुकाबला ये जंगली क्या जाने का नाच गाना आप जरा देखिए तो नाच गाना सब सिखा कर लाई हूँ अजी मगर स्वयंवर का पहला नियम मालूम है ना जो जरा भी झगड़ा करेगा वो तो गया काम से उसको तो निकाल बाहर किया जाएगा हाँ हम ये सब जानते हैं पंडित जी और शाबाश जाओ मार लो बात
से जगह देना भाई साहब। नमस्कार। सज्जनों, क्योंकि 6 नौजवान और स्वयंवर में आ गए हैं, इसलिए अब नृत्य का मुकाबला होगा। ये मुकाबला 2 भागों में होगा। पहले भाग में 4 नृत्य होंगे। जो पहला भाग जीतेंगे उनको लड़कियों के साथ नाव में सैर करने का अधिकार मिलेगा। जो दोनों भाग जीतेंगे उनको लड़कियों के साथ शादी करने का अधिकार मिलेगा। इस मुकाबले में लड़कियां दोनों तरफ से भाग लेंगी। अब मुकाबला शुरू होता है। काम से तमाशा देखो जी। मुकाबले का पहला दिन शहर के नौजवान कैंडियन यानी के लंका देश के नृत्य में। मुकाबले का दूसरा दिन जंगल के नौजवान उत्तर प्रदेश के नृत्य में। Come on.
मुकाबले का तीसरा दिन, शहर के नौजवान राजपूत नृत्य। चौथा दिन, जंगल के नौजवान मारिया नृत्य में। मुकाबले का आधा भाग खत्म हुआ, बाकी आधा कल होगा। पंचों की राय में इस दल में दोनों भाग बराबर हैं, इसलिए लड़कियां अपने मनपसंद लड़कों को गुलाब का सफेद फूल देकर उनके साथ नाव की सैर को जा सकती हैं। Yeah.
मौके मिलेगा। सो जाइए, सो जाया करता है। बस एक झलक दिखा दे आंखों में प्यार लेके, बैठे हुए हैं कब से तेरा इंतजार लेके। पल भरी की पहचान में परदेसी सनम से, लगता है कि हम जानते हों जन्म जन्म से। अगुबई मेले, अगुबई मेले। अरे तू मराठी है क्या? ओए, मैं भी आधा मराठी हूँ। आधा मराठी? हाँ, मेरा बाप जो था ना, उसने सात शादी की थी सात, और मेरी माँ वो तो मराठी थी। खरच? बिल्कुल खरच। प्रीति विना वेड़ा पिसा जीव झाला, प्रेमा साठी सखेग झालो भुकेला। प्रीति विना वेड़ा पिसा जीव झाला। अरे तुम्हें बंगाली? हाँ, अरे बंगाली আমার মাও বাঙালি ছিল, আর আমার বাচ্চার মা ও বাঙালি হবে। আজি সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে, ওগো আমার প্রিয় তোমার রঙিন দরিও, পরো 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 তবে রঙ মেশাতে হবে। வீணையின் நாதம் போலவே விளங்கும் காதல் கீதமே, வீணையின் நாதம் போலவே இணைந்திடும் காதலர் உள்ளமதில் இன்பமே பொங்கிடும் கீதமே, பிணைந்திடும் குயில்கள் மானொடுமையிலும் மகிழ்ந்திடும் காதல் கீதமே। दो दिना दी प्रीत विच कुछ खोया है कुछ पाया है, एक तुसी मिले हो सुने हो ते एक सौंदा टैम गवाया है। चले होंगे बेकाम से। अजी तुमको शर्म भी नहीं आती है क्या? दुश्मन तुम्हारी लड़कियों को लेकर घूम रहे हैं और तुम खड़े मुंह देख रहे हो। हम कर भी क्या सकते हैं पंडित जी? अजी हिम्मत कर सकते हो और क्या कर सकते हो, संभल जीत कर दिखाओ ना। कोशिश तो कर रहे मगर वो लोग कल लागा नाच दिखाने वाले, और सुना है वो बड़ा जबरदस्त नाच है। हाँ, हाँ। तब तो गए काम से। अजी वो नाच दिखाएंगे तो तुम चाल तो दिखाओ ना। क्या चाल? अरे देखो कल पहले नाचने की बारी तुम्हारी है ना। हाँ तो बस पहले तुम नागा नाच शुरू कर दो, और यदि वो बाद में नागा नाच करेंगे तो तुम्हारी नकल मालूम होगी और वो गए काम से। मगर इस चाल से तो वो जंगली मरने मारने पर तैयार हो जाएंगे। अजी सब तो वो बिल्कुल गए काम से। सुंदर का पहला नियम ये है कि जो मारधाड़ करेगा उसको निकाल बाहर किया जाएगा। क्यों? अच्छा आज क्या मिलाते हो? नमस्कार करो ना। नमस्ते। गए काम से। नंबर का दूसरा भाग आरंभ होता है शहर के नौजवान नागा नृत्य में। क्या मतलब? बारी हमारी है। अरे प्यार हो तो धोखेबाजी में उतरा है। खबरदार, जो हमको धोखेबाज का लड़कियाँ हमारी हो चुकी। लड़कियों का हाथ लगाओगे तो जान से हाथ धोखा दोगे। क्यों दोस्तों, आज फिर निकाल दिए गए ना? आह आज शांति ने ऐसा खाना बनाया था, ऐसा खाना बनाया था, वाह 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 वाह, बहुत मजा आया। भैया मत तंग करो, हम पहले ही बहुत तंग आए हुए हैं। अरे बुजदिलो, तुम्हारी चहेती लड़कियों की शादी वहाँ दूसरों के साथ हो रही है और तुम यहाँ सर झुकाए और तंगता रह रहे हो। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? कर भी क्या सकते हैं? वही जो पृथ्वीराज ने संजोगता को उठाकर किया था, वही जो कृष्ण महाराज ने रुक्मणी को भगाकर किया था। जब ऐसे बड़े बड़े महापुरुष गंदर विवाह कर सकते हैं तो फिर तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? भैया ठीक कहता है, ठीक है। अरे भैया तो ठीक कहता है, मगर भाभी क्या कहेगी?
अरे भाभी को तो जब पता चलेगा ना, जब लड़कियां यहाँ आ जाएंगी और फिर हम अपने साथ उस पंडित को उठा लाएंगे, वो तुम्हारी यहाँ शादी करा देगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, शांति को पता ना चलने पाए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मगर भाभी क्या सोचेंगे कि हम लोग कहाँ हैं? हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं उससे कहूंगा कि हम आज रात खेत वाली झोपड़ी में सो रहे हैं, क्योंकि सुबह उठ के वहां पानी वानी देना पड़ता है ना। तू चल, तू देखो, अगर वो लड़कियां मान जाए तो ठीक है, यही शादियां हो जाएंगी, और अगर वो न माने तो फिर गंदर विवाह। तूने उठा लाना, जाओ शाबाश। और देखो उस शादी करवाने वाले पंडित को मत भूलना, उसको भी उठा लाना। अच्छा अच्छा, मगर तुम मुझे प्यार नहीं करती हो क्या? प्यार तो करती हूँ, मगर माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती। ये बात है। अजी क्या है जी? अजी कौन आ जाता है आधी रात को तंग करने के लिए? क्या काम से? जल्दी दरवाजा खोलो पंडित जी। अजी धोती तो बांधने दो, दरवाजा खोलो। क्या है? अरे दरिजन सुखनी, दौड़ो दौड़ो, वो जंगली लड़की को उठाकर ले गए। जाओ, वो जंगली लड़की को उठाकर ले गए। गाड़ी बहुत सुन चुका हूँ, अब तुम कुछ भी और कहो कोई ना। ये ठीक है, भैया को उठा लाते हैं। हाँ, और उसे भाभी से सुलह करने में मजबूर कर देंगे। ठीक है। हेलो भाइयों, चलो चलिए पंडित जी, आप भी उठिए। क्या काम से? अजी हमारा काम पढ़ना पढ़ाना है, उठना उठाना नहीं है। हम क्यों उठेंगे जी? तो चलो भाइयों, हम ही चलते हैं। चलो 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 जल्दी। आ गया? हाँ, इन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे बगैर दिन भर रोती रहती हो, मुझे तरस आ गया। और तुम भी तो भाभी के लिए रो रहे थे भैया। मैं कब रो रहा था बे? हम मर्द हैं, औरतों के अधीन रहना हमने कभी नहीं सीखा। ओहो, ये मर्दान आकर, जरा अपने भाइयों से भी तो पूछ लेते, मैंने उनका घर में आना जाना बंद कर दिया था और ये लड़कियों की सूरत देखने को तरस रहे थे। क्या बात करती हो भाभी, हम भी अपने रंजीत भैया के भाई हैं, मर जाएंगे मगर औरतों से नहीं हारेंगे। अरे जाओ रंजीत भैया के भाई, पहले अपने भाई से ये तो पूछो इनकी मूछें कहाँ गई। हमारे बगैर तरह रहकर तो देखो, दो दिन में हाथ जोड़ते आओगे। मर्द तो औरतों के बगैर हमेशा ही रहते आए हैं, लेकिन औरतें मर्दों के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती, और वो भी इस जंगल में। क्या बड़े बड़े शेर। घबरा मत, लगती है शर्त हो गई। हाँ, हो गई। तो जाओ तुम लोग उधर गोदाम में रहो, देखे कौन किसको पहले मनाता है। मंजूर है, आओ भाइयों, ये भी क्या समझती है अपने को। हाँ, देखे, 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 देखे। आओ बहनों, ये क्या समझते हैं अपने को। हाँ। गए काम से,
अरे कोई नहीं सकता ये अजी तुम कितनी जल्दी लौट के आ रहे थे तो गए किस शेखी के साथ अजी राय बीबी के साथ गुस्सा पंडित पर ये कौन से शास्त्र में लिखा जी शास्त्र तो हम उन लड़कियों को पढ़ना सिखाएंगे देखते हैं वो हमारे पास जंगल में कैसी रहती हैं अजी छोड़ो अभी आएगी माफी मांगती तो और क्या ऐसी बात है तो तुम जंगल में अकेले कैसे रहोगे जी ये खाने पीने का क्या होगा अजी हम उससे अच्छा खाना पका लेंगे ठीक है मैं अभी जाता हूँ शिकार लेके आता हूँ भैया बंदूक तो है ना शिकार कैसे मारोगे अरे मैं लाठी से वो शिकार करूंगा तुम देखना सही क्या क्या लाता हूँ अजी अपने का जरूर लेते आना लाठी से चले शिकार करने के लिए चलो भाइयों हम लोग खाना पकाएंगे चलो भाई तुम क्या खाना पकाओगे जी पका के अजी ऐसा उमदा खाना पकाएंगे कि आप भी याद करोगे अच्छा अजी हमको तो लगता है तुम ब्राह्मण देवता को भूखा ही मारोगे अजी तुम चूल्हा जला रहे हो या बम बना रहे हो चाहे तो धुआं धुआं कर दिया अरे लकड़ी और लाओ लकड़ी अरे लकड़ी से क्या बनेगा लड़की लाओ लड़की अरे बेवकूफ वो पंडित जी ठीक कहते हैं अजी ये तो गया काम पे अजी तुमने तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया है अब लड़कियों से भी बेइज्जती करवाओगे क्या गए काम से हसीनों का बुरा हो हाय हाय हसीनों का बुरा हो जो हमें बर्बाद करते हैं हसीनों का बुरा हो जो हमें बर्बाद करते हैं हसीनों का बुरा हो जो हमें बर्बाद करते हैं हसीनों का बुरा हो जो हमें बर्बाद करते हैं हसीनों का बुरा हो जो हमें बर्बाद करते हैं हमें बर्बाद करते हैं हमें बर्बाद करते हैं बड़े चक्कर में क्यों आए हाय बड़े चक्कर में क्यों इनके जो अब फरियाद करते हैं बड़े चक्कर में क्यों इनके जो अब फरियाद करते हैं बड़े चक्कर में क्यों इनके जो अब फरियाद करते हैं बड़े चक्कर में क्यों इनके जो अब फरियाद करते हैं जो अब फरियाद करते हैं ये क्यों फरियाद करते हैं होशियार हैं दिल लूट लेते हैं घड़ी भर में वाह वाह बड़े होशियार हैं दिल लूट लेते हैं घड़ी भर में लेते हैं घड़ी भर में अदाएं अपनी दिखला कर चले जाते हैं वो घर में चले जाते हैं वो घर में बड़े होशियार हैं दिल लूट लेते हैं घड़ी भर में अदाए अपनी दिखला कर चले जाते हैं वो घर में चले जाते हैं वो ये जालिम भी वही करते हैं जो जल्लाद करते हैं जालिम भी वही करते हैं जो जल्लाद करते हैं ये जालिम भी वही करते हैं जो जल्लाद करते हैं जालिम भी वही करते हैं जो जल्लाद करते हैं जो जल्लाद करते हैं हसीनों का बुरा हो जो हमें बर्बाद करते हैं हसीनों का बुरा हो जो हमें बर्बाद करते हैं हमें बर्बाद करते हैं हमें बर्बाद करते हैं अगर मजनू को लैला इतनी आसानी से मिल जाए बात है जिससे हमें वो याद करते हैं यही तो बात है जिससे हमें वो याद करते हैं यही तो बात है जिससे हमें वो याद करते हैं याद करते हैं
न होते हम तो ये बनना सवरना किस लिए होता, समझे ना। न होते हम तो ये बनना सवरना किस लिए होता, सवरना किस लिए होता। अदाए जब न होती मेरा मरना किस लिए होता, मरना किस लिए होता। न होते हम तो ये बनना सवरना किस लिए होता, अदाए जब न होती मेरा मरना ये गलियां हुस्न वालों की हमी आबाद करते हैं, गलियां हुस्न वालों की हमी आबाद करते हैं। ये गलियां हुस्न वालों की हमी आबाद करते हैं, गलियां हुस्न वालों की हमी आबाद करते हैं। हमें आबाद करते हैं हसीनों का बुरा हो जो हमें बर्बाद करते हैं, हसीनों का बुरा हो जो हमें बर्बाद करते, हमें बर्बाद करते हैं, हमें बर्बाद करते हैं। भैया शिकार कहाँ? मिला नहीं, गए काम से। निकल पड़े थे लाठी लेकर शिकार खेलने। अजी तुम भी कोई भीमसेन क्यों ला दो क्या? गए काम से। तुम लोगों ने कुछ खाना वाना बनाया? जैसे तुमने शिकार मारा वैसे इन्होंने खाना बनाया, अब दोनों मिलकर खाओ। अजी अब भी जाओ जाके लड़कियों से माफी मांग लो वरना भूखे मरोगे। हम और माफी कभी नहीं। पंडित जी हम महीनों भूखे रहना जानते हैं। गए काम से। जरा रात होने दीजिए, हम उन लड़कियों को ऐसा डराएंगे कि वो भी जिंदगी भर याद करेंगी। अजी तब तक तो हम याद करते रहेंगे ना। अरे बाला जब हलवा पूरी खीर सब बना हुआ है फिर 15 दाल भाजियों की क्या जरूरत थी? गए काम से। अजय सब गप्पे हाँक रही हैं। इतनी चीजें कहाँ बनी होंगी? अजय इतनी चीजें नहीं बनी होंगी, कुछ तो बना होगा। वो गप्पे हाँक रही है मगर तुम तो कुछ भी नहीं हाँक रहे हो। हम तो चले देवियों के पास, गप्पे हाँक रही हैं। अजय गप्पे ही सही। गए काम से। अजय ये मैं क्या देख रहा हूँ? आइए पंडित जी भोजन कीजिए। अजी तुम भी मूर्खों वाली बात करती हो, भोजन नहीं करूंगा तो क्या भूखा मरूंगा? मैं ब्राह्मण उन राष्ट्रों में जाके फंस गया, ये वही ना देवी वाली बात है। अच्छा अच्छा बैठ जाइए। अजी बैठूंगा नहीं तो क्या खड़ा रहूंगा? अजी तुम और भोजन ले लो। पंडित जी। अजी पंडित जी क्या शास्त्र नहीं पढ़ा क्या? आपने कहा है पहले ब्राह्मण देवता को भोग लगना चाहिए। आते क्या शांति देवी चटनी बनाई? नहीं बनाई। बनाइए। तीखी है बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या गए काम से। अजी हम कैसी बकवास करते हैं, बोला चटनी का लड़की से क्या संबंध हो सकता है क्या? पंडित जी वो लड़कों की अकड़ निकल गई ना। अजी तुमने तो मूर्खता की बात की, अकड़ क्या उनकी तो जान निकल रही है। मुझे जानते हो क्या बोलते हैं? बोलते हैं रात को डर के मारे तुम्हारी जान निकल जाएगी। पंडित जी उनको जाकर बोल दीजिए यहाँ डरने वाला कोई नहीं। अजी तुमने तो बिल्कुल महामूर्खता की बात की। तुम सारी देवियों को अकेला छोड़कर मैं चला जाऊंगा क्या? कभी नहीं। अजी भोजन करो जी, तो कटी खाओ ना, खाओ इधर भी डालो ना। चलो दीदी तुम, मैं रामायण का पाठ करके आती हूँ। चलो सो जाओ, चलो चलो सो जाओ। अरे ये क्या करती हो जी? ओ पंडित जी आप यहाँ? अजी हम लड़कियों की रखवाली नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अच्छा अच्छा ठीक है। अजी ठीक है क्या? हमारी कमर तोड़ दी बोलती है ठीक है। अजी तुम भी हमको खाओगे क्या? ये दांत उधर करो ना, जंगलियों के घर में फंस गए। ये तो शेर की आवाज थी। अजी हमारी भी बुद्धि मारी गई, लड़कियों की रखवाली करने बैठ गए, बड़े अशूर वीर। भालू बाघ ब्रक के हरी नागा करही नाद सुनी धीरज भागा। क्या बात है पंडित जी? अजी बात क्या है, ये घर है कि चिड़िया घर है? यहाँ हर तरफ शेर चीते भेड़िए ही रहते हैं, इंसान नजर ही नहीं आता, हम नहीं रहते यहाँ पर। मगर सुनिए पंडित जी आपने तो कहा था कि लड़कियों को अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अजी वो तो हमारी मूर्खता थी, लड़कियों को छोड़कर अकेले नहीं जाऊंगा। हमने लड़कियों को ठेका ले रखा क्या? लड़कियों को छोड़कर अकेले नहीं जाऊंगा। वो पंडित जी आ रहे हैं।
क्या काम से? अजी हंसने की क्या बात है जी? क्यों पंडित जी वापस आ गए? हम तो भोजन करने गए थे, हमारे उन लड़कियों में क्या काम है? हम तो अपने भाइयों के साथ जी। कोई बात नहीं, ये उन लड़कों की शरारत है। तुम यहाँ बैठकर कथा सुनो, डर खत्म हो जाएगा। दीदी जी, ओ बहुत ही डरावना हो गया। शाबाश होए, मजा है जो आज रात डर के मारे नींद आ जाए। क्यों पंडित, आज हमको नींद कब आ रही है? भैया दिल करता है चोरी चोरी जाके उनकी हालत देखो। अरे ये पकड़ कहाँ लिए जाओ? भैया बस सर्दी है ना, कहीं सर को लग जाएगी, मामला गुल हो जाएगा। काम से क्या मतलब? अरे मतलब तुमको समझ नहीं आया क्या? वो छोकरियों की हालत देखने थोड़ा गया, वो तो अपनी हालत उनको दिखाने गया है। आंखों से उनकी आंखें गर्म करेगा। क्या बात करते हो पंडित जी, हमारा भाई कोई ऐसा बैठा है? अगर आप कहें तो मैं उसको छुप छुप के देखता हूँ। अरे तू भी पकड़ लिया जा रहा? बात सर्दी है ना, सर को लगे कहीं मामला गुल हो जाएगा। सर्दी कैसी? ये तो बंदा वर्ग के छोकरे से मिलने जा रहे हैं। क्या बात करते हो पंडित जी, तुम्हारा मतलब उन लड़कियों के सामने हम अपने सर झुकाएंगे? ये कभी नहीं हो सकता। ये मेरे भाई है पंडित जी, ये किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। अजी तुमको भी जाना है क्या? देखा ना मैं सुमृग भी हंग तरु फिर बहोरी बहोरी निरखी। क्या है, क्या क्यों आया? भाभी बाहर बहुत सर्दी है, कोई कंबल संबल मिलेगा? कंबल वंबल कुछ नहीं, जा यार। पशु पक्षी और वृक्षों के देखने के बहाने से सीताजी बारंबार लौटती थी और रामचंद्र जी की छवि को देख देख कर बहुत प्रेम बढ़ता जाता था। शांति दीदी, इसको मैं अपनी शाल दे देती हूँ, नहीं तो सर्दी से मर जाएगा। तुझे अभी भी इस पर दया आती है? दया तो नहीं आती, मगर भगवान ने कहा है कि दुश्मन को भी प्रेम से खत्म करो। ले ले जा। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हूँ। क्या है, अब तुम क्यों आए? मेरी टांग में दर्द हो रहा है, ये दवाई मिलेगी भाभी? जाओ यहाँ से, यहाँ दवा नहीं है। दवाई नहीं है? दीदी वहाँ दवा पड़ी है, दे दूँ? नहीं, तुम यहीं रह। तुझे क्या? मुझे तो कुछ नहीं, बेचारे को दर्द होता होगा। और भगवान ने भी कहा चुप रह। मैं जानती हूँ भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा देखो तुम खुद वहाँ से दवा ले लो और जल्दी करो। अच्छा। तब पक्षियों ने लता की आड़ में सुहावने सांवले और गोरे राजकुमार दिखाए। श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर जानकी जी के नेत्र ललचाए। उसके बचन सीता जी को बहुत अच्छे लगे, दर्शन करने के लिए नेत्र बेचैन हुए, जो दर्शन कर रहे थे। भाभी मेरे सर में बड़ा दर्द है। सर में? नहीं नहीं, मेरा मतलब पेट में, पेट में। पेट में? हाँ। मैं समझ गई तुम्हें कहाँ दर्द है, निकलो। भैया तुम पंडित के बातों में आकर हम पर इल्जाम लगाते हो, या अच्छा नहीं? हाँ। नहीं नहीं, मैं पंडित की बातों में आने वाला आसामी नहीं हूँ, लेकिन तुम कान खोल कर सुन लो। अगर तुम में से कोई भी लड़की के आगे झुका तो मैं फिर वापस चला जाऊंगा और जिंदगी भर तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। फिक्र ना करो भैया, तुमसे ज्यादा आकर हम में है, हम भी आकर तुम्हारे भाई हैं। और शाबाश होए, जाओ सो जाओ, आज हम भी उनको दिखा देंगे कि हम क्या चीज हैं। सो जाओ पंडित। अजी तुम भी यहीं सोओगे क्या? हाँ हम भी यहीं सोओगे। गए काम से। गए काम से। भैया 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 भैया, अजी भैया तो गए काम से? बताइए ना कहाँ है? अजी तुम्हारा बड़ा भैया तो बस देखने में ही बड़ा है, पानी पीने के लिए उठा, देखा तुम सब लोग गायब हो, बच्चों की तरह टूट गया, बोला यहाँ कभी नहीं रहेंगे, चला गया। हद हो गई यार, ये भैया भी अजीब आदमी है, छोटी छोटी बात में रूठ जाता है, अब हम भी उसको कभी नहीं मनाएंगे, कभी नहीं मनाएंगे। हाँ मगर पंडित जी शांति भाभी माँ बनने वाली है। अजी इसमें हमारा क्या दोष है? क्या कहा? शांति भाभी माँ बनने वाली है। गए काम से? अजी वो माँ बनने वाली, तुम हमारे मुँह देख रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? क्या हम क्या कर रहे हैं? अजी और कुछ नहीं कर सकते तो रामायण का पाठ ही करो ना, चलो मेरे साथ चलो। अजी किसकी मुंडी हमारे हाथ में है? अजी ये तो मेरी मुंडी है। अजी तुम्हारी दो मुंडी है क्या? जी एक असली और एक नकली। गए काम से चलो। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर श्री राम बोले, दूध 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 द
जल्दी लाओ चाय। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, 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 जाओ ना। लक्ष्मण को देखकर श्री राम जी बोले, बाप की लड़की पैदा हुई उसको नहीं बुलाओगे क्या? छोटे हम अभी जा उनको बुला ला, कहना अब तो एक लड़की के बाप बन गए, बचपना छोड़ दो। अच्छा भाभी, भैया को अभी पकड़ के ले आता हूँ। भैया भैया क्या है, तुम फिर यहाँ चले आए हो? मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, चल जा यहाँ से। मैं तुम्हें लिए बिना जाऊंगा नहीं भैया, चलो मेरे साथ। अबे हट, वरना मार खाएगा। अरे तुम क्या मारोगे, मैं ऐसा दाव मारूंगा कि तुम बिल्कुल चित। ये बात है तो दिखा अपना दाव। मैं कहता हूँ तुम हार जाओगे, माफिया मांगोगे माफिया। अबे जा, बातें बनाता रहेगा या दिखाएगा भी अपना दाव? बातें क्यों नहीं बनाऊंगा, बातें बनाने का तो दाव है। भैया आप शांति भाभी को लड़की हुई है लड़की, अब तुम बाप बन गए हो। क्या कहा? मैं बाप बन गया? हाँ। बदमाश, पहले किसने बताया? चलो अभी धो के आता। अच्छा अच्छा रहने दो। ओहो, इतने बड़े बहादुर होकर बच्चे के सामने घुटने टेक दिए। इसके लिए तो मैं उम्र भर घुटने टेकने को तैयार हूँ। अभी एक मिनट में अपनी बच्ची से इतना प्यार हो गया। मेरा खून जो हुआ, मेरी जान है ये। इसे अगर तुमसे कोई छीन कर ले जाए तो? क्या छीन कर ले जाए? मैं उसका गला ना घोट दूंगा। तुमने ठीक कहा था शांति, जब तक अपना बच्चा नहीं होता इस बात की समझ नहीं आती कि माँ बाप को औलाद से कितना प्यार होता है। मैंने उन लड़कियों को उनके माँ बाप से जुदा करके बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा पाप। मैं अभी उन्हें वापस करके आता हूँ, अभी। अरे तू इतनी नन्ही सी है और इतने बड़े बहादुर को हरा दिया, और शाबाश रे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव यहाँ आओ, सब लोग यहाँ आओ। क्या बात है भैया, बाप बनने की मिठाई बांटेगा और क्या। तो लाओ। मैंने इन लड़कियों को इनके माँ बाप के पास वापस भेजने का फैसला किया है। क्या? इन लड़कियों को इनके माँ बाप के पास वापस भेजना है। बाप ही नहीं बना, मसखरा भी बन गया। इसमें मसखरेपन की कोई बात नहीं, हमने इन लड़कियों को इनके माँ बाप से जुदा करके बहुत बड़ा अत्याचार किया है, बहुत बड़ा अत्याचार। ये ज्ञान तुम्हें कब से हुआ भैया? जब से मैंने अपनी बच्ची का मुंह देखा है। अगर कोई मेरी बच्ची मुझसे छीन ले, या तो मैं उसे मार डालूं, या खुद तड़प तड़प कर मर जाऊं। हम भी जब बाप बनेंगे तो ये गीता पढ़ लेंगे, अभी तो हम तुम्हारा बताया हुआ गंधर्व विवाह का पाठ पढ़ने वाले हैं। इस गलत रास्ते पर डालने वाला तुम्हें मैं ही था, और अब तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरा ही फर्ज है। ये लड़कियां लौटानी पड़ेंगी, और आज ही। भैया ये हमारी हो चुकी है, हम सब पति पत्नी के रिश्ते में बंधे जाने वाले हैं, अब दुनिया की कोई ताकत इनको हमसे छीन नहीं सकती। तो फिर मेरा प्रण भी सुन लो, जब तक मेरे दम में दम है दुनिया की कोई ताकत इन्हें यहाँ नहीं रख सकती, छोड़ दो इसे। भैया देखो भैया, तुम्हें बाप की वजह मानते हैं, मगर कोई ऐसी बात ना करो कि बेटे बाप पर हाथ उठाने में मजबूर हो जाए। मैं अपने कर्तव्य का पालन करके ही रहूंगा, चाहे भाई के हाथों भाई का खून हो जाए। हट जाओ भैया।
यहाँ कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। शांति, तुमने ही मुझे सही नीति का रास्ता बताया। अब मैं हर कीमत पर इन लड़कियों को वापस ले जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने भाइयों की कुर्बानी ही देनी पड़े। तो फिर तुम ये कुर्बानी दिए बगैर इन लड़कियों को नहीं ले जा सकते भैया। आज हमने भी मरने मारने की ठान ली है। हाँ! एक दूसरे पर हाथ उठाने से पहले तुम्हें मेरी लाश उठानी पड़ेगी। जब मैं पहली बार ब्याह के यहाँ लाई गई थी, मैंने तुम सबको नफरत से देखा था। फिर मैंने तुम्हें सिखाया पढ़ाया जैसे कि माँ अपने बच्चे को सिखाती पढ़ाती है। अब मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम मुझे अपनी मम्मी सी बच्ची, और तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आता। आज मेरी एक बेटी है और तुम मेरे छह बेटे हो। आज तुम्हारी माँ तुमसे इंसानियत की भीख मांगती है। चाहे तुम मेरी झोली भर दो, चाहे मेरी जान ले लो, ये लड़कियां इनके माँ बाप से छीनी गई है। ये हमारे पास अपने माँ बाप की अमानत है। ये अमानत हमें लौटानी होगी, किसी कीमत पर भी लौटानी होगी। उठो भाभी, हम इन लड़कियों को वापस कर देंगे। हाँ भाभी। मेरे बच्चों, आज तुमने मेरी लाश रख ली। दुनिया की मुसीबतें मार धार से कभी सुलझ नहीं सकती, प्रेम प्यार और अहिंसा से ही सुलझ सकती है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जंगलियो, इन लड़कियों को लौटा दो, नहीं तो मरने मारने को तैयार हो जाओ। नहीं, ये तुम्हारी इम्तिहान की घड़ी है। अहिंसा में इम्तिहान की जीत है। जीती हुई बाजी को हारना नहीं, चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। तुम्हारे इस इम्तिहान पर मेरी भी जान की बाजी लगी। औरतों की तरह क्या खुशबुश करते हो, जवाब दो नहीं तो मुकाबले पर आ जाओ। आपकी लड़कियाँ हमारे पास अमानत है, हम ये अमानत आपको लौटाते हैं। जाओ बहनों, अपनों के पास जाओ। इनको गाड़ी में बिठाओ, चलो। अरे ये जरूर इनकी कोई चाल है। हाँ हाँ, ये लोग जरूर हमारा पीछा करेंगे। चलो ना, यहीं इनसे दो दो हाथ कर ले। इनको हम पर थूकने का अधिकार है। जो दाग हमने अपने दामन पर लगाया था वो शायद इसी तरह धूल जाए। अरे ये बुजदिल बेगैरत हो गए हैं, छोड़ो इनको, बड़े आए थे सुरमा बनकर। भाभी, तुमने मजबूर किया तो हम यहाँ अंदर चले आए। तुमसे कह दिया था कि हमें भूख नहीं है। तुम अर्जुन? हम में से कोई नहीं खाएगा भाभी, तुम खाओ। चलो भाइयों, गोदाम में चल के सोइए। सज्जनों, जो स्वयंवर अधूरा रह गया था वो आज पूरा होता है। चूंकि सिर्फ ये छह लड़के ही स्वयंवर में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ये लड़कियां इन्हीं को जयमाला पहनाएंगी। पहनाओ बेटी।
अरे वो जंगल फिर आ गए। वो आ गए, आ गए। मेरे देवर भी कई बार में हिस्सा लेंगे। हाँ शाबाश होए, जाओ पार्टी जीत के आओ। अब क्या काम थे इसी मत कर, क्या करते हो जाओ ना। जतर जतर करे लाए जतरानी दिलो मोय जतर धोरी धोरी कने मोर मुलुवारी। बिहारी हा करे लाए बिहारी दिलो मोय बिहारी हा करे लाए बिहारी दिलो मोय बिहारन मिले धुरी कने मोर मुलुवारी।
स्वयंवर जंगल के नौजवानों ने जीत लिया। अब लड़कियां जंगल के नौजवानों को जयमाला पहनाएंगी। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।